तभी सुबह सुबह आए थे, सामने छत में एक कबूतर बैठा हुआ था उस ब्लू टंकी जहाँ पे ना, तो हमने अभी अभी कबूतर बाहर निकाले, तो अभी मैं आपको सीन दिखाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खेले होंगे। दोस्तों अभी अभी जो ना हम लोग आए थे, कबूतर वगैरह हमने खोले, अभी सारे जो ना टंकी में बैठे हैं। अभी मैं खोलता जा रहा था, सारे टंकी में बैठते जाते, वहाँ जो कबूतर बैठा हुआ था ऐसे ही उड़ गया, सीधा टंकी में बैठने वाला था लेकिन थोड़ा स्पीड में था, सामने छत में बैठ गया। चेक करें, पट्टी वाला नील दुमा सा कबूतर है, पता नहीं दुम पे कलर हुआ है या इसका ओरिजिनल कलर है। यहाँ बाजुओं पे तो कलर हुआ है, ऊपर ऊपर ऑरेंज सा नजर आ रहा है। उड़ते हुए तो सही लग रहा था लेकिन बैठे हुए सुस्त लग रहा है, अजीब सा ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा बीमार कबूतर है। उड़ते वक्त तो बिल्कुल सही लग रहा था, प्यारा सा लग रहा था, पट्टा टाइप सा, लेकिन बैठे हुए काफी सुस्त लग रहा है। हाँ, रात बाहर ही गुजारी है इसने, क्योंकि इतनी सुबह सुबह उड़ाएगा तो इसकी ऐसी कंडीशन थोड़ी होगी, रात बाहर गुजारी होगी ना इसने, इसीलिए ठंड की वजह से ना काफी ज्यादा ढीला सा हुआ है। कबूतर देखते ही ऐसे सीधा उड़ के आया हमारे छत के पास, लेकिन उतरा नहीं, सामने बैठ गया, देखते हैं अब कितना टाइम लेता है, उतरता भी है कि नहीं उतरता। मुंह तो इस साइड पे कर लिया उसने हमारी वाली, देखते हैं अब उतरता नहीं उतरता। चीले काफी ज्यादा तंग कर रही है इसको, ये आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। लो भाई सीधा छत में आया, दुम पे भी कलर हुआ है और काली काली भी हो रही है। अभी तो बहुत छोटा बेबी है, बहुत छोटा बेबी है, ये तो फ्राइडे वाला दिन है आज, बहुत छोटा बेबी है, तो सुस्त भी हो रहा है यार, बिल्कुल खत्म हुआ है। जाओ इसको पकड़ लो, जाओ जाओ जाओ। बाकी इसके बाद एक और भी गुड न्यूज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको पकड़ते हैं, देखते हैं इस बेचारे का क्या सीन है, इतनी बुरी हालत इसकी क्यों हो रही है पता नहीं। फसा फसा जा रहे हैं इसको पकड़ने, काफी ज्यादा बुरी हालत में यार। पकड़ लो भाई, अभी अभी तुमसे नहीं पकड़ा गया तो फिर तुम तो फिर चोरी मारी भूल गए, इतने टाइम से पकड़ा नहीं है ना कबूतर, तो ये जो ना पकड़ लिया बस है ना, कमजोर है ना इसको, अपने कबूतरों में नहीं छोड़ना। अभी कागज से बिल्कुल हल्का दिखाओ, है ही नहीं कुछ हड्डी में, आपको दिखाओ ना ये देखे कैसी हड्डी निकली है, खत्म हो गया बिल्कुल। हाँ देखो कितने कली गए, जीरो कली गए मेरे ख्याल में, जीरो पर का। चलो वैसे भी हमने पट्टी वाले लेने देना, अरे ये सेट हो गए ना तो फिर इसको भी उड़ाएंगे यार, है पट्टी वाले लेने देना, इसको भी उड़ाएंगे। हाँ सुबह ही सुबह वहाँ छत में बैठा हुआ था वो पीछे वाली, वहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से और दो मिनट में उतर भी गया, मुझे तो लगा था उतरेगा ही नहीं लेकिन उतर गया। हाँ बहुत ज्यादा सुस्त हो रहा है, कुछ भी नहीं खाया हुआ, बिल्कुल हल्का। आंखें दिखाते हैं, इस साइड में, और इस साइड में दिखाते हैं आपको आंखें, इसकी आंखें वैसे अजीब सी हैं, मैली सी टाइप सी हैं, मतलब पहले भी हमारे पास था इस तरह की आंखों का कबूतर पीली में, थोड़ा यूं करो फेस। हाँ ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक कर इसकी आइस, आइस से तो यार अजीब से, लेकिन अभी बेबी है ना, बाद में सेट कर लेगा, अभी ग्रीन लग रही है मुझे तो, है ना ग्रीन लग रही है मुझे तो, अभी ग्रीन आंखों का कबूतर लग रहा है, देखे लाइट ग्रीन सा शेड दे रही है, पता नहीं क्यों मुझे ग्रीन ग्रीन सी लग रही है। चलो पर दिखाओ सही वाले, दुम पे भी कलर हुआ है, काले सफेद पत्ते हैं, ये तो इंक मारी हुई है किसी ने ब्लू। बाकी इस साइड के दिखाओ, ये देखें ऊपर भी कलर हुआ है, ये मैंने देखा था वहाँ छत में बैठा हुआ था जब, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक गिराई हुई है शायद, पहली गली में होगा, हाँ ये हो सकता है पहली हो, पहली गली का होगा बिल्कुल, छोटा सा है। चिंटू भी इसी में किया था और चिंटू, लेकिन चिंटू यार अच्छा कबूतर था वो। चलो इसको छोड़ो यहाँ कहीं पे, फिर इसको दाना वाना डालो, पानी वानी डालो, इसको एक हफ्ता दाना पानी भरा भरा के ना इसको सेहतमंद कर देंगे। हड्डी दिखाओ इसकी कितनी, हड्डी दिखाओ इसकी कितनी निकली हुई, बहुत ज्यादा लग रही है, चेक करें ये बहुत ज्यादा लग रही है इसकी हड्डी जो है ना, पहले इसको मोटा ताजा करते, हाँ मोटा ताजा करेंगे फिर इसके बाद उड़ाएंगे, इसको हिल भी जाएगा ये तो आराम से। इस वाले में डाल दो नीचे में, देखें अगर बीमार बीमार भी हो तो इलाज भी करेंगे ना फिर इसका, दाना डाल दो इसको अभी। हाँ खूबसूरत तो है वैसे लेकिन बस कमजोर बहुत है। तो अभी सुबह सुबह आई दे बस कबूतर जो है ना आ गया और हमने पकड़ भी लिया, बस थोड़ा सा सुस्त है और कमजोर है काफी, तो खैर उसको हम सेट कर देंगे। बस अब उम्मीद है कि एक कबूतर हमने पकड़ लिया ना, अब आहिस्ता आहिस्ता कबूतर आना शुरू हो जाए, आना शुरू हो जाए ना फिर मजा आएगा। अभी कबूतर एक भी नहीं आया था, आमने सामने भी नहीं आगे बैठ रहा था, ऐसा होता है ना एक कबूतर आगे बैठता है फिर बाकी भी आना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते, फिर एकदम ही रोज रोज ही आने लग जाते हैं, इतने टाइम से नहीं आ रहे नहीं आ रहे, अभी एक आया, अभी मुझे उम्मीद है कि और भी आएंगे अब रोज रोज, तो फिर मजा ही आ जाएगा। चेक करें दाना तो उसने खाना शुरू कर दिया, पानी भी फैसला साथ इसको रख दिया, तो दाना ये मंडता रहे सही का। तो अभी जो है ना चलता हूँ और आपको ना वाली गुड न्यूज दिखाता हूँ, जो मैंने आपको सुबह में दिखानी थी लेकिन जो ना मैं किसी काम की वजह से चला गया था, तो अभी जो ना आपको चल के दिखाता हूँ। और पैसा उस दादी ने यहाँ पे जो जाख वाला पिया था ना वो भी ले जाके ना अभी ब्रीडिंग केज में छोड़ दिया, तो जो गुड न्यूज है ना वो भी ब्रीडिंग केज में ही है, शायद आपको अंदाजा भी हो गया हो कि क्या गुड न्यूज है। तो चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ, बड़ी जो ना मेरे को तो मस्त गुड न्यूज लगी। तो एंटर होते ही ना हमें इतने सारे कबूतर नीचे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको दाना भी अभी नहीं डाला, दाना भी इनको डालना है, दाना मैंने थोड़ा थोड़ा वॉश कर लिया था,
ज्यादा जो है ना एक साथ मैंने खुद ही वॉश नहीं किया। तो यहाँ पर चेक करें गुड न्यूज, जब मैं सुबह सुबह में आया ना मैंने देखा यहाँ पे ना अंडे का छिलका पड़ा हुआ है और मेरे को ना एकदम ऐसा झटका लगा, मैंने सोचा शायद किसी की फाइट वाइट में ना टूट गया। फिर मैंने जब देखा ना तो भाई ये तो गुड न्यूज वाला शेल था, खतरनाक बैड न्यूज वाला शेल नहीं था, गुड न्यूज वाला था। मैं आया मैंने डायरेक्ट इसका जो है ना चेक किया, बेबी निकला हुआ था माशाल्लाह से, चेक करें कैसा केयरिंग करा। अभी दूसरे अंडे से भी निकल आएगा क्योंकि इसके दोनों अंडे फर्टाइल थे। इसमें अभी तक क्रैक तो नहीं आया, वैसे आ गया आ गया आ गया आ गया, क्रैक आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करें, हल्का हल्का सा आया है, तो उम्मीद तो है कल तक निकल जाएगा। ये बेबी भी मेरे ख्याल में अभी भूखा हो रहा है, शायद ये खाना इसको खिला दिया होगा मेरे ख्याल में। तो दाना जो है ना लेकर आते हैं और दाना डालते हैं यहाँ पे। इस वाली को भी अभी टाइम है काफ़ी और इस वाली को भी टाइम है काफ़ी, इसने काफ़ी जल्दी दे दिए थे, इस पेयर ने भी दिए थे जल्दी बहुत, लेकिन इसके वाले ना फाइट में टूट गए थे। तो वही सोच के मुझे एकदम झटका लगा था, पता नहीं ऐसे नहीं किसी ने तोड़ दिए हो किसी के अंडे। तो इस पेयर के भी ना अभी तक उड़ना निकल चुके होते, इसके तो इतने बड़े बड़े भी हो गए होते अगर इसने यहाँ पर अंडे अभी संभाले हुए होते ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर इस पेयर के जो ना मुझे लग रहा है आ जाएंगे जल्द से जल्द। और वो नर जो है ना अभी भी छीके मार रहा है, फैसल साहब को लगा होगा नहीं मारा, दो दिन से तो नहीं था मारा, आज फिर इसने छीके मारना शुरू कर दी, बड़ा अजीब है यार। इसीलिए फैसल साहब ने लाके छोड़ा होगा कि बिल्कुल सही लग रहा था उनको, देखें कैसे उठान उठान में तो माशाल्लाह से बड़ा प्यारा है, लेकिन पता नहीं क्यों छीके मार रहा है। कुछ भी नहीं, इसको नजला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ऐसे ही छीके मार रहा है। खैर गुड न्यूज तो मैंने आपको दे दी, चलते हैं और दाना लेकर आते हैं। दाना जो है ना चेक करें, मैंने थोड़ा बहुत ही धोया था, जितनी जरूरत है ना सिर्फ उतना ही दाना मैंने धोया था, कल भी सिर्फ उतना ही धोया था, आज भी सिर्फ उतना ही धोया, और कल तो सुखाने का भी टाइम नहीं था मिला, तो आज जो है ना मैंने सुखा भी दिया था, इस पहले मैं डाल के धूप में छोड़ दिया था, तो दाना जो है ना सूख भी गया तकरीबन, अच्छा खासा सूख गया। तो निकालते हैं इसमें से, ब्रीडिंग वाले को भी डालते हैं और अपने बाकी परिंदों को भी डालते हैं। तो दाना जो है ना मैंने निकाल लिया और ट्रे भी जो है ना मैंने ला के रख दी है यहाँ पर इसमें, और उस प्याले में दाना डालेंगे। और एक और भी गुड न्यूज है, वो गुड न्यूज भी ना मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इनको दाना डालते हैं फिर वो गुड न्यूज है। तो जल्दी से ना पहले इनको दाना डालते हैं थोड़ा इस प्याले में और बाकी का जो है ना इसमें फैला देते हैं, यहाँ से खा लेंगे, अभी तो मैंने कम ही डाला, ये खत्म कर दे फिर आगे और डाल देंगे। चेक करें कैसे मन रहे, कोई एक कबूतर भी यहाँ पे ढीला नहीं। अरे यार हमेशा कोई ना जैसे बाहर आता हूँ फिर नजर आते पीछे बंद हुआ हुआ है, अभी इनको खोलना पड़ेगा मुझे जाके। इनको जो है ना मैंने बंद किया था जोड़ा लगाने के लिए, लेकिन जोड़ा जो है ना इनका मेरे ख्याल में अभी भी लगा नहीं होगा, क्योंकि फीमेल ना बहुत खड़ू से जोड़ा ही नहीं लगा रही, कितनी ज्यादा फड़के लग रही हैं यहाँ पे, मेरी वजह से डर रहे हैं सारे। चलते हैं बाहर, खुद ही खा लेंगे ये लोग। चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो ये एक कबूतर भी जो है ना ढीला नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वही जो है ना अभी नया नया छोड़ा है ना वो ऊपर बैठा हुआ है, और वो थोड़ा थोड़ा छीके भी मार रहा है, नहीं पता नहीं उसको कुछ भी, लेकिन समझ नहीं लग रही मुझे क्यों छीके मार रहा है। खैर बाकी के तो सारे चले एक्टिव एंड हेल्थी है माशाल्लाह माशाल्लाह, बंद कर देता हूँ ऐसे नहीं बाहर ही आ जाए फिर। तो बराबर में जो ना भाई जो ना थोड़ा सामान जो है ना आगे पीछे करें, कबूतर हमारे काफी ज्यादा डर रहे हैं, मैं तो सोच रहा हूँ बंद कर दूँ नहीं तो ना अभी उड़ जाएंगे। और ये वाली रोलर माती और अपना जो रोलर कबूतर किधर गया, ये बैठा हुआ, इन दोनों को जो है ना अभी उड़ाते हैं और इनकी रोलिंग देखते हैं अभी करते नहीं करते, ये तो लाजमी करेगा, इसका पता नहीं करेगी नहीं करेगी, ये अपने मूड पे करती है, वैसे अगर उड़ गई ना तो फिर तो अच्छी रोलिंग करेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, इनको बंद करता हूँ, वो गुड न्यूज भी मैं फिर आपको बताता हूँ। तो दाना डाल के मैंने सारे जो है ना अंदर कर दिए, अभी उन दो को निकालते हैं और उनको उड़ाते हैं। एक ये अपना पुराना रोलर, इसको तो आपने हजार बार देखा होगा रोलिंग करते हुए, इसको छोड़ते हैं, और दूसरी कबूतरी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली येलो आइस की, इनका जो है ना पेयर बनाऊंगा, बस ये थोड़ी सी एज में बड़ी हो जाए, इसको भी छोड़ते हैं और इनको भी उड़ाते हैं। ठीक है दोनों साथ बैठ कर इनको उड़ाते हैं, मजा आएगा। मैं जो है ना ट्राईपॉड ढूंढ रहा था, ट्राईपॉड ही जो ना गुम हो गया, तो ना अभी इनको ऐसे ही उड़ाना पड़ेगा। डंडे पे तो बोरी भी नहीं लगी हुई, बोरी उठाते हैं यहाँ से, कचरे के लिए लाए थे, अभी इससे उड़ाते हैं फिर बाद में कचरा भर लेंगे इसमें। बोरी जो ना मैंने उठाई थी, इस पर इतनी ज्यादा चूंटियां चल रही थी सारी जो ना मेरे ऊपर भी आ गई थी, मैंने डायरेक्ट से ना वापसी दूर कर दी, मैंने कहा जा भाई तेरे से नहीं उड़ा रहा मैं, कोई बॉल वॉल निकालते हैं और उससे उड़ाते हैं। देखे दाना खाने के लिए दोनों जो है ना ऊपर चढ़ गए। चेक करें ये जो है ना आ गई है बॉल, और रोलर कभी जो ना मैं भी टंकी पर भेजता हूँ, टंकी पर से जो ना फिर उड़ जाएगा आराम से। चल भाई जाल पे नहीं टंकी पे जा, जाल से इसको भगाते हैं टंकी पर, यहाँ पे डंडा उठाते हैं, जा टंकी पे जा जा चल। मादी भी टंकी पर बैठी है, दोनों नीचे वाली टंकी में हो गए, अब यहाँ से बॉल उठाते हैं और उछालते हैं, इसको दोनों उड़ जाएंगे। ये गए दोनों, अबे यार ये तो ढीठ है, ये नहीं गया वो चली गई मेरे ख्याल में, वो भी या तो बैठ रही है, बैठना नहीं 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 नहीं, वो देख कर रोलिंग की और बैठ रही है अब, ये असल में नई नई रोलिंग सीख रही है ना इसीलिए बैठ जाती है, डरती है अभी रोलिंग करने में, पहले ये भी ऐसे ही करता था रोलिंग करते करते कभी किधर गिर जाता था कभी किधर, लेकिन अभी जो ना माशाल्लाह से इसका बैलेंस बन गया, इसका भी बन जाएगा। इसको तो ना मैं पत्थर मार के उड़ाता हूँ, चल उड़ जा जा, ये निकल गया अभी, ऐसी रॉकेट की तरह निकला, वो चेक करें रोलिंग, और निकल गया भाई गया, अभी उड़ता रहेगा थोड़ी देर तक। ओ भाई चेक करें रोलिंग शुरू कर दी इसने तो, यहीं पर ही उड़ रहा है अभी तो, अभी निकल जाएगा, लेकिन अब नहीं करेगा मेरे ख्याल में रोलिंग, अभी थोड़ा सीधा हो गया, जब थोड़ा नीचे आएगा फिर रोलिंग करता हुआ वापसी ऊपर चले जाएगा, वो उड़ेगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा उसकी भी। दूसरी गुड न्यूज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ यार, मैं तो दिखाना ही भूल गया ना,
ये चेक करें, मैंने आप दोस्तों को कहा था ना मैं नंबर वाली रिंग्स का ऑर्डर दूंगा, ये चेक करें, ये जो ना अभी आ गई है मेरे पास। तो इसमें जो है ना मैं निकालता हूँ और अपने बेबी पिजन्स को जो ना दोनों जो यहाँ पर छोड़े हुए ना, हमारा ये छुटकू वाला शहजादा, इस शहजादे को भी डालते हैं और इसके बड़े भाई को भी डालते हैं। एक भाई कहते हैं इनका ना आप शौक कराना, तो कल जो है इंशाल्लाह इनका आपको शौक कराऊंगा, दोनों भाई का भी कराऊंगा, माँ बाप का भी इनका करा दूंगा। फिलहाल उड़ गई वो रोलर कबूतरी भी उड़ गई, उसकी अब रोलिंग दिखाता हूँ आपको। ये चेक करें ये रुक के एक एक पलटी मारती है, अभी नई सीख रही है ना, ये चेक करें। अभी दुम भी इसकी पूरी खराब हुई हुई है, तो दुम भी आएगी फिर इसका सही का बैलेंस बनेगा। जैसे अपना रोलर पलटी मारते हैं फिर ये भी वैसे मारेगी, चेक करें पलटी पे पलटी, थोड़ा सा उड़ती है फिर पलटी, थोड़ा सा उड़ती है फिर पलटी। किधर बैठ रही है क्या? नहीं बैठ रही नहीं है, बल्कि बैठ रही है शायद, क्योंकि बैलेंस नहीं हो रहा होगा ना इससे। हो देखिए पलटियाँ ही मारी जा रही है, उड़ रही कम है, पलटियाँ ज़्यादा मारी, पीछे में गायब हो गई कहीं, बैठ तो नहीं गई कहीं, मुझे तो लग रहा है बैठ गई पलटियाँ, लेकिन आपको मैंने फिर भी दिखा दी इसकी। ओ नहीं बैठी, नहीं बैठी, दोबारा आ रही है, दोबारा पलटियाँ, ये चेक करें ये पलटी, और नहीं बैठना नहीं सिटी मारने के बाद भी बैठ गई, काफी ज्यादा घबराती है, पलटियां मारती है ना ये, नहीं सीख रही है ना, इसीलिए आगे जाके ना बिल्कुल सेट हो जाएगी। ऐसी पलटियां मारती भी नीचे छत में उतरेगी हमारी, जैसे रोलर उतरता है अभी, पहले वो भी ऐसी करता था बार बार आमने सामने बैठ जाता, मुझे बड़ा बुरा लगता था, अभी ये बड़ी बुरी लग रही है क्योंकि आमने सामने बैठ गई, अपना रोलर तो ना अभी सीधा सीधा उड़ रहा है, जब नीचे आएगा ना फिर मारेगा पलटियां, तो वो कबूतरी तभी बहुत ज्यादा घबरा जाती है पलटियां मारते हुए। एक बार मादी बस 10 बार साफ हो जाए फिर इनका पैर बना दूंगा मैं, फिर पलटी मार बेबीज आएंगे हमारे पास कंफर्म। चलते हैं इसमें से ना अभी रेंगे निकालते हैं और अपने बेबी बीजन्स को डालते हैं। ये रहा मेरा शहजादा, सबसे पहले तो इसी को ही डालूंगा, इसी की वजह से मैंने बनवाई थी, जब ये गायब हो गए थे ना अगले दिन ही मैंने ना भाई को ऑर्डर दिया था, मैंने कहा यार भाई मुझे नंबर वाली रिंग बनवानी है जल्दी से पहुंचा दे, फाइनली अब जो ना हमारे पास आ गई है, ये भी वापसी आ गई, इसको भी डालते हैं और जो बेबीज अब निकला करेंगे उनको भी डाल डाल के छोड़ा करेंगे। तो चेक करें इसको, इसके बड़े वाले भाई को, कहाँ चला गया वो, कहाँ चला गया ये बैठा हुआ, इसको और इस वाले को, इन तीन को मैंने अभी रिंग पहनाई है, बाकी किसी कबूतर को नहीं पहनाई, अपने बेबीज को ही पहनाएंगे। दादा थे काले शीदों को भी उड़ा नहीं रहा, वरना इसको भी ना बनाया था, काफी अच्छा कबूतर है, सिर्फ अच्छे अच्छे कबूतरों को बनाएंगे। यहाँ पे जो सारे नर नर है ना वो तो हमारे गिरदान है, और वैसे भी वो हम जोड़ों में डालेंगे, तो बेबीज को ही ज्यादा बनाएंगे, इन तीन को बना दी। वैसे ये तो उड़ता नहीं है, ढेर साला ये बाद में उड़ना स्टार्ट करेगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको पहना दी, वैसे मेरा दिल नहीं था, इन दो को तो मेन पहनानी थी, इनको पहना दी मैंने, तो पता नहीं मिलते भी हैं वापसी नहीं मिलते हैं अगर किसी के पास गए तो। वैसे तो मुझे उम्मीद है जाएंगे नहीं, लेकिन बस फिर भी मैंने पहना दी, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कभी मौसम की वजह से, कभी किस वजह से गिर भी जाते हैं। रोलर कबूतरी जो है ना दोबारा से उड़ गई, ये भी पीछे में गई है, दोबारा से आएगी ना मैं आपको फिर से उसकी रोलिंग दिखाऊंगा, वो आ रही चेक करें, ये आ रही, ये पलटी और ये पलटी और ये पलटी, और पलटियां मारते मारते अभी फिर किधर बैठ जाएगी वो, देखे पलटियों में पलटियां, वो चेक करें पलटियों में पलटियां, हाँ मार 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 मार, अरे शहजादी पलटी मार, ओ मार दी, ओ मार दी, फिर से मार, ओ मार दी, और मार, एक और बैठने से पहले एक और, नहीं फिर बैठ गई, अरे यार इसकी आदत खराब हुई है। दाना जो ना चेक करें, इन लोगों ने बिल्कुल जो ना साफ कर दिया, मैं जो ना और लेकर आ गया, और ये वाली फीमेल चेक करें अपने बिल्कुल सही क्रेट में गई है, बाकी के सारे कबूतर जो ना लल्लू पंजू है उनको क्रेट दे रहे हैं, वो जा रही नहीं है, इसको पैसा उस साथ ने एक ही बार यहाँ पे छोड़ा है, ये बाहर भी आ गई थी खाना खाने के लिए, लेकिन वापसी इस क्रेट में ही गई है, बड़ी जो ना तेज मादी है, पता नहीं मादी है फैसल साथ को भी नर नर भी लगने लग गए, कहते मुझे तो लग रहा है ये खुद भी नर है, मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी, उसके लिए भी मादी ढूंढनी पड़ेगी, फिर उस नर के लिए भी मादी ढूंढनी पड़ेगी जो इसके लिए नर लेकर आए, गड़बड़ी हो जाएगी, फिर इतना डालते हैं यहाँ पर दाना, यहाँ पर काफी हो गया, प्याले में भी डाल देते हैं, यहाँ से जो ना ये लोग खा लेंगे, अब मेरे ख्याल में सबका पेट भर जाएगा। अभी तक जो ना हम लोग इनको सिर्फ बाजरा ही दे रहे थे, लेकिन अभी जो ना मिक्स दाना भी लेकर आने हैं, जोड़े वाले ना सारे हमारे पास जोड़े वाले होते जा रहे हैं, सर्दियों का भी मौसम है वैसे भी, तो मिक्स दाने की जो ना बोरी लेकर आ जाएंगे, फिर मिक्स दाने इनको डाला करेंगे, ज्यादा अच्छी ब्रीड आएगी फिर हमारे पास। तो वो कबूतरी ना अभी तक सामने ही बैठी हुई, इतनी ज्यादा घबरा गई है, नीचे ही भी नहीं आ रही ना उड़ रही है, तो वो जब आएगी ना फिर देखेंगे, उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, अगर बन गई ना तो एंड में लगा दूंगा बिल्कुल। तो फिलहाल आज की वीडियो को ना यहीं पे एंड करते, मिलेगा आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।